हेलो नमस्कार, कक्षा 11 में डे 65 में और नेक्स्ट टॉपिक अपना कार्य ऊर्जा प्रमेय। गतिज ऊर्जा हमने कर ली थी पहले कल की क्लास में कि गतिज ऊर्जा क्या होती है, कि इज इक्वल टू 1/2 mv², ये होती है गतिज ऊर्जा, ये हमने पढ़ लिया था और इसका प्रूफ भी हमने करके देख लिया था क्या कैसे निकालते हैं गतिज ऊर्जा। अब हम बात करें कार्य ऊर्जा प्रमेय की। कार्य ऊर्जा प्रमेय यानी ये जो प्रमेय है वो क्या बताती है, कार्य और ऊर्जा में संबंध बताती है। कार्य ऊर्जा किसी भी कण पर, इसके अनुसार क्या है, किसी भी कण पर किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। जैसे कोई भी कण अगर गतिशील अवस्था में, कोई भी वाहन गतिशील अवस्था में है तो पहले उसका प्रारंभिक वेग कुछ ना कुछ है। गतिशील अवस्था की बात कर रहे हैं हम, ये बात नहीं कर रहे कि जब विराम अवस्था से चला है तो बाद में वेग, तो विराम अवस्था में तो जीरो है, लेकिन कैसी बात कर रहे हैं हम, गतिशील अवस्था में ही है। यानी चलती गाड़ी पर ही अगर हमने स्पीड देखी है बाइक की और 60 पे चल रही है और थोड़ी देर बाद गाड़ी की स्पीड 70 हो जाती है तो वो अपने आप तो नहीं होगी, अपने आप हो जाएगी क्या? उसमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक्सीलरेटर देना पड़ेगा, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, स्पीड बढ़ाने के लिए इंजन को वर्क करना पड़ेगा। तो वो जो कार्य है वही किसमें परिवर्तित होते हैं, ऊर्जा में परिवर्तित होते हैं। तो वो किया गया कार्य, उस दौरान किया गया कार्य 60 से 70 तक स्पीड पहुंचाने के लिए किया गया कार्य गतिज ऊर्जाओं में अंतर के बराबर होता है। क्योंकि पहले अब गाड़ी, जैसे मान लो गाड़ी का वजन 100 किलोग्राम है तो एम तो वही रहेगा, जब 60 की स्पीड में चल रही है तो उसका वेग 60 हो गया ना, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, हम उसको मीटर पर सेकंड में बदल लें। बाद में उसका जो वेग है वो 60 की बजाय कितना हो जाता है, 70 हो जाता है, ठीक है। तो उसका वेग बढ़ गया ना, वेग बढ़ गया तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ गई। तो कितना कार्य हुआ ये कैसे पता चले, कैसे पता चले, अंतिम गतिज ऊर्जा में से प्रारंभिक गतिज ऊर्जा घटा दें। तो किसी भी गतिशील कण पर, किसी भी कण पर बाहरी बल के द्वारा किया गया कार्य गतिज ऊर्जाओं में अंतर के बराबर होता है, इसे कहते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय। गतिज ऊर्जाओं में अंतर कैसे होगा, अंतिम गतिज ऊर्जा में से क्या घटा दें, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा घटा दें, उसके बराबर होगा। क्लियर। अब इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं, प्रूफ भी पूछा जाता है एग्जाम में, प्रूफ भी करेंगे हमारे सिलेबस में। तो इसका स्टेटमेंट क्या होगा, किसी कण पर बाहरी बल द्वारा किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के, अंतर भी लिख सकते हैं, परिवर्तन के बराबर होता है। ये है कार्य ऊर्जा प्रमेय। अगर डिफाइन करना हो एक लाइन में तो कार्य क्या होगा कि W का जो मान है वो किसके बराबर होगा, W वर्क किसके बराबर होगा, डेल्टा K के बराबर। डेल्टा मतलब परिवर्तन है, परिवर्तन को कैसे लिखते हैं, ये जो त्रिभुज है इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा, ठीक है, डेल्टा K। डेल्टा K का मतलब है K में परिवर्तन, और K का मतलब क्या है यार, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख देते हैं, W इज इक्वल टू के एफ माइनस के आई, ऐसा भी लिख देते हैं। इसको के एफ का मतलब है फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और के आई का मतलब है, आई का मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल का मतलब प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, और एफ का मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी का मतलब है अंतिम गतिज ऊर्जा, के आई का मतलब शुरुआत की गतिज ऊर्जा, के एफ का मतलब बाद की गतिज ऊर्जा। तो बाद वाली ऊर्जा में से पहले वाली ऊर्जा घटा देंगे, ये तो है, ये बात इसका स्टेटमेंट है कि है क्या प्रमेय। अब हम इसका प्रूफ निकालते हैं कैसे आएगा। प्रूफ के लिए देखो अभी क्या निकालना है, कार्य, कार्य क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। एक ही बात जो हमने सबसे बेसिक बात पढ़ी है उसको समझ में आ जाए और उसका यूज करना आ जाए तो वही यूज करना है, हमें अलग कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ एक कंडीशन हमने ली है, अभी बात करते हैं कार्य बराबर क्या होगा, W बराबर F गुणा S, पता है ना, F का मतलब बल फोर्स, S का मतलब डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, और F बराबर क्या होता है, MA। तो यहां क्या रख दें, W बराबर MAS। अब इसके अंदर निकाल के रख देंगे मान S का, किसका, S का, कहां से निकालें, गति की समीकरण से।
कौन सी समीकरण जिसमें s आता है, वेग आता है, क्योंकि गतिज ऊर्जा कब आएगी, जब वेग आएगा एक बटा दो एम स्क्वायर आएगा तभी तो गतिज ऊर्जा, उसको k लिखेंगे हम, ठीक है। तो v कब आएगा, जब गति की तीसरी समीकरण यूज करेंगे जिसमें s भी आता है, u भी आता है और v भी आता है। तो गति की तृतीय समीकरण से क्या लिखेंगे, तृतीय समीकरण से क्या होता है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। अब यहाँ यू का मान जीरो नहीं लेना है, ठीक है। गतिज ऊर्जा को प्रूफ करने के लिए हमने यू का मान जीरो रखा था, हमने कंडीशन क्या ली थी कि प्रारंभिक जो वेग है उसका वो विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है, रुकी हुई है पहले वस्तु, पहले कण, कोई गाड़ी रुकी हुई है तो उस समय उसका वेग जीरो है, तो हमने यू का मान क्या रखा था, जीरो। यहाँ क्या कह रहे हैं, गतिशील कण की बात कर रहे हैं, तो उसी स्थिति में यू का मान जीरो नहीं है, प्रारंभिक वेग कुछ ना कुछ है यू, बाद में वेग बदल जाता है तो बाद में वेग बदल के हो जाता है वी, दोनों ही है यहाँ, क्योंकि गतिज ऊर्जा में अंतर कब आएगा, पहले भी चल रही है गाड़ी तो गतिज ऊर्जा है, रुकी हुई गाड़ी की गतिज ऊर्जा कितनी होती है, जीरो, क्योंकि वेग जीरो, ठीक है। तो यहां से हम एस का मान निकाले, तो एक एक करके ले जाओ अगर कंफ्यूजन हो कैलकुलेशन में, तो वन बाय वन ले जाओ, पहले यू स्क्वायर को इधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो क्या आएगा टू ए एस, ये तो यहाँ का यही है, इसको इधर ले आए, क्या जाएगा वी स्क्वायर माइनस एस निकालना है तो टू ए इसके भाग में जाएगा ना, इसके भाग में जाएगा, तो वन अपॉन टू ए लिख लो, चाहे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटे टू ए लिख लो, इसके पूरे में भाग में लिख दो, ये लिख दो, एक ही बात है, ये भी पूरे के भाग में, ये इधर लेके जाएंगे तो दोनों के भाग में आ जाएगा। अब ये मान इसका मान समीकरण एक में रख दो, किसमें, एस का मान समीकरण एक में रखने पर, तो यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी, W इज इक्वल टू एम ए, ऐसा कैसा, ठीक है, ये रखेंगे एस का मान तो क्या आएगा, वन अपॉन टू ए इंटू वी स्क्वायर माइनस ए से ए कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, एक एम बटा दो बचा ना, एम बटा दो बचा, इसका इससे भी गुणा करेंगे, इससे भी गुणा करेंगे, क्या होता है ब्रैकेट के बाहर जो वैल्यू होती है उसका पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो W इज इक्वल टू क्या आ गया, W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वन बाय टू एम का इससे गुणा करेंगे, एम वी स्क्वायर माइनस वन बाय टू एम, समझ में आ गया ना ये कैसे लिखा है, एम बाय टू का इससे मल्टीप्लाई कर दिया माइनस के बाद में, इसको भी इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया अंदर लेके, तो वन बाय टू एम वी स्क्वायर किसके बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, गतिज ऊर्जा की क्या परिभाषा है, एक बटा दो एम वी स्क्वायर ही तो होता है, वी कैसा वेग है, वी अंतिम वेग है, इसलिए इसको क्या कह सकते हैं, अंतिम गतिज ऊर्जा, ठीक है, और u प्रारंभिक वेग है, इसको क्या कहते हैं, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, तो आ गया ना, ये तो कार्य ऊर्जा प्रमेय है, और अंतिम गतिज ऊर्जा में से प्रारंभिक गतिज ऊर्जा घटा देंगे तो ये क्या हो गया, ऊर्जा का अंतर, जिसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा के, तो इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा के, एक ही बात है, ऐसा लिख दो चाहे ऐसा लिख दो, यहां हमने दो बातें यूज की, यहाँ के आई का मतलब क्या है, के आई का मतलब है एक बटा दो एम यू स्क्वायर, जो क्या है, जो है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इसलिए इसका आई यूज किया गया, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, और के एफ क्या है, एक बटा दो एम वी स्क्वायर, ये क्या है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये क्या है, अंतिम गतिज, तो दोनों गतिज ऊर्जा है, ठीक है। अब ये पूछ ले कि ये कार्य ऊर्जा प्रमेय में ऊर्जा का जो अंतर है ऋणात्मक हो सकता है क्या, अगर ऋणात्मक है तो उसका क्या मतलब है, और धनात्मक है तो उसका क्या मतलब है, देखो v जाता है, v कौन सा वेग, अंतिम वेग, जैसे अभी बाइक का एग्जांपल लिया, सबसे सिंपल एग्जांपल है समझने के लिए कि बाइक चल रही है 40 की स्पीड में, ठीक है, और वो उसका प्रारंभिक वेग हो गया, ठीक है, बाद में कुछ समय बाद में उसका वेग देखते हैं, उसकी स्पीड देखते हैं तो हो जाती है 70, 40 से 70, तो अंतिम वेग क्या हुआ, 70, बाइक तो यहां पर भी वही है, यहां पर भी वही है, तो द्रव्यमान तो दोनों जगह सेम आएगा, 40 से गुणा करेंगे तो उत्तर कब आएगा, 70 से गुणा करेंगे तो उत्तर
ज्यादा आएगा, तो फाइनल वैल्यू ज्यादा हो गई ना, वेग बढ़ रहा है तो ज्यादा में से कम घटाएंगे तो उत्तर क्या आएगा, पॉजिटिव। यानी अगर स्पीड बढ़ती है तो गतिज ऊर्जा में अंतर धनात्मक होता है, यानी किया गया कार्य क्या होगा, धनात्मक होगा। आगे बात समझ में, अगर गाड़ी की स्पीड 70 है, बाइक की स्पीड 70 है, और फिर हम लगाते हैं ब्रेक और स्पीड हो जाती है 20, अब क्या हो रहा है, अभी तो क्या हो रहा है, वेग में परिवर्तन हो रहा है, तो अभी भी कार्य हो रहा है, लेकिन जब धनात्मक आ रहा है इसका मतलब गति की दिशा में कार्य हो रहा है, और जब ऋणात्मक आ रहा है तो गति के विपरीत दिशा में कार्य हो रहा है, इसका मतलब उसकी स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, पहले तो वेग ज्यादा है तो के एफ का मान ज्यादा होगा, के आई का मान ज्यादा होगा, और बाद में वेग कम हो जाता है तो के एफ का मान कम होगा, कम में से ज्यादा घटाएंगे तो उत्तर किस में आएगा, माइनस में आएगा। समझ में आगे बात, तो ये बात भी हम लिख लेते हैं कि यदि यदि डब्ल्यू का जो मान है वो डेल्टा के है, वो अगर किस में आता है, नेगेटिव, माइनस वी का मतलब क्या है, ऋणात्मक, नेगेटिव है, नेगेटिव है तो इसका मतलब गति के विपरीत दिशा में कार्य हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब गति के विपरीत दिशा में कार्य हो रहा है या किया जा रहा है। दूसरी बात, यदि डेल्टा के इज इक्वल टू पॉजिटिव हो, डब्ल्यू का मान धनात्मक हो, तो क्या होगा, गति की दिशा में कार्य किया जा रहा है, इसका मतलब कार्य क्या होगा, कार्य गति की दिशा में होगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव का भी ध्यान रखें, यदि ब्रेक लग रहे हैं तब तो कार्य नेगेटिव हो रहे हैं, ठीक है, और अगर स्पीड बढ़ा रही है तो कार्य पॉजिटिव हो रहा है, ऐसे भी हम इसको ध्यान रख सकते हैं। तो ये लिख लो, बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे आगे की बातें।